हेलो स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह प्रौंच यूनिवर्सिटी जौनपुर द्वारा अधूरा परीक्षा परिणाम जारी करने से बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रौंच यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसा आप सब जान रहे हैं कि एनुअल कोर्सेज का रिजल्ट डे बाय डे जारी किए जा रहे हैं, बट जो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं वो रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं है। कहीं स्टूडेंट्स का पर्यावरण व राष्ट्रगुरु के नंबर छूटे हुए हैं, कहीं स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल या वाइबा के नंबर छूटे हुए हैं, या कहीं पे कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर मिस हो गए हैं। इन सभी परेशानियों के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उनका रिजल्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है या उनका रिजल्ट कंप्लीट कब तक होगा। इस विषय में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या रीज़न है कि बच्चों का जो आधा अधूरा परिणाम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। आइए स्टूडेंट्स, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जोरदार तरीके से आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं कि आप बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने जारी किया आधा अधूरा परिणाम। जी हाँ स्टूडेंट, आप सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी का परीक्षा परिणाम जारी कर देगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो पॉइंट विशेष रूप से हम बात करना चाहेंगे। पहला, बहुत से स्टूडेंट्स के राष्ट्रगुरु और पर्यावरण के नंबर नहीं अपडेट किए गए हैं, नंबर नहीं चढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिसका अभी तक रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तक रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है। अब जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया, उन सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चों जो फाइनल ईयर के हैं उनको किसी अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और वहाँ पे सिर्फ एडमिशन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अभी उनका रिजल्ट कंप्लीट ही नहीं है। और आपको मालूम है कि बीएड की काउंसलिंग अभी इसलिए नहीं स्टार्ट है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तक परीक्षा परिणाम ही नहीं जारी किए गए हैं, और जब परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पाए हैं, मार्कशीट मिल ही नहीं पा रही है, तो यूनिवर्सिटी कैसे काउंसलिंग कराए। इसलिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके बीएड काउंसलिंग की डेट को भी आगे टरका दिया गया है, आगे कर दिया गया है। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबको लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे डिटेल में अगर हम डिस्कस करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने संबंध महाविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष का अधूरा परिणाम जारी कर दिया है, जिससे छात्रों की मुश्किल बढ़ा दी गई है। काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं के पर्यावरण व राष्ट्रगुरु के नंबर अधूरे होने की वजह से दूसरे संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र महाविद्यालय व विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने संबंध 5 जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ व हंडिया प्रयागराज के महाविद्यालय में, अगर हम बात करें, आप जान रहे हैं कि एनुअल कोर्सेज का लास्ट एग्जाम है, इसलिए अब जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बन गई, इसकी वजह से आजमगढ़ व मऊ अब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हिस्सा अब नहीं रह गए, क्योंकि जो सेमेस्टर एनुअल एग्जाम चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम में जो मऊ व आजमगढ़ के जितने भी विद्यालय हैं वो सब महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में अब सभी लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, सिर्फ जौनपुर, गाजीपुर व हंडिया का एक प्रयागराज का एक ही महाविद्यालय जो हंडिया में आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, लेकिन ये एनुअल कोर्सेज है, यहाँ पे अभी आपके 500 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी महाविद्यालय हैं सभी आपके आ रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि स्नातक अंतिम वर्ष बीए बीएससी के अधिकांश विषयों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। यह वेबसाइट पर अपलोड भी है, जिसमें अधिकांश छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण के नंबर नहीं चढ़ाए गए। ऐसे में जो छात्र दूसरे विश्वविद्यालय व संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं और प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद भी अधूरे रिजल्ट की वजह से दाखिला नहीं ले पा रहे, छात्र छात्राएं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराने के समस्त दस्तावेजों को लेकर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय का पत्र दे, लेकिन कुछ दिनों और इंतजार करने के लिए आश्वासन मिल रहा है। वहाँ पे पहुँचते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे कहा जाता है कि अभी आप कुछ दिन और इंतजार करिए, अभी आप वेट करिए। मऊ डीसीएस के कॉलेज के छात्रा जुल्फा इरम, सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के वकार अहमद, गाजीपुर पीजी कॉलेज के कमलेश कुमार, सालनी सिंह अधूरे रिजल्ट से परेशान है। छात्रों ने अलग विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा दी है, नजदीक होने के बाद अब रिजल्ट को लेकर परेशान है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के लोग महाविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा का अंक विलंब भेजने जाने की वजह से रिजल्ट आधा अधूरा बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि बहुत से स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं जिनकी कंप्लीट पढ़ाई हो गई है, लेकिन सिर्फ अधूरे परिणाम की वजह से, अधूरे रिजल्ट की वजह से वो कहीं पर और एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इन सभी स्टूडेंट्स का पूर्ण रिजल्ट जारी कर देगा, जिससे ये स्टूडेंट्स जल्द से जल्द किसी अन्य कॉलेज में, अन्य यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल को जरूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।